नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश, आप देख रहे हो मेरा चैनल ओपी के टेक जेबीएस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलयू के अंदर थीम के अंदर खुद का फोटो कैसे लगाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ एलयू थीम में खुद का फोटो लगा के। तो इससे पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए दोस्तों, प्लीज। और अब मैं आपको बताता हूँ एलयू थीम के अंदर खुद का फोटो लगा के। तो चलो दोस्तों, सिंपली मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ एलयू थीम में खुद का फोटो लगा के। तो चलो सिंपली मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके सिंपली मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलयू थीम में खुद का फोटो कैसे लगाए। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये थीम है एलयू की और इस थीम के अंदर खुद का फोटो कैसे लगाते हैं वो आपको मैं लगा के दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको जाना से बैक और आपको चले जाना सिंपली फाइल मैनेजर में। एंड फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको जो फ़ोटो लगानी है वो फ़ोटो यहाँ से पहले कॉपी कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से कोई फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मेरे को ये फ़ोटो लगानी मेरी एलयू थीम के अंदर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको ये फाइल के अंदर नाम आएगा आपको एंड्रॉयड का, तो इसके ऊपर आपको टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद डाटा पे टच करना है। एंड डाटा पे टच करने के बाद आपको यहाँ पे नेम शो होगा SG Bigo Hello Talk, तो इसके ऊपर आपको टच कर देना है। तो इसके ऊपर आपको सिंपली टच करना है। उसके ऊपर टच करने के बाद आपको फाइल्स पे टच करना है। एंड फाइल्स पे टच करने के बाद आपको थीम्स पे टच करना है। थीम्स पे टच करने के बाद आपको सिंपली अनजिप पे टच करना है। अनजिप पे टच करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पर नेम आएगा विवाह, तो इसके ऊपर आपको सिंपली टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद फिर इसके ऊपर एक बार और टच कर देना है यहाँ पर, तो विवाह वाला ये मतलब ऊपर की ओर स्लाइड करोगे यहाँ नाम आएगा विवाह, तो इसके ऊपर आपको सिंपली टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद इस पर भी टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे अपनी आपको एक फ़ोटो जो लाए थे कॉपी करके वो यहाँ से पेस्ट कर देनी है। ये देख लीजिए दोस्तों, ऊपर की ओर मेरी फ़ोटो पेस्ट हो गई है। एंड उसके बाद आपको इस थीम का नेम है ना, इस थीम का नेम, इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो इस थीम का नेम आपको कॉपी कर लेना है। जैसे मैं इस थीम का नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो इस थीम के नेम को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ऐसे कॉपी करने के बाद आपको इस थीम को सिंपली आपको देना है यहाँ से हटा, डिलीट कर देना है इसको यहाँ से। तो इस थीम को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो नाम कॉपी किया था वो नाम अपनी यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट की थी उस फ़ोटो पे रखना है, उस थीम वाला नाम। तो मैं इस थीम का नाम इस फ़ोटो पर लगा देता हूँ। इस नाम को ऐसे कर देना है डिलीट, फोटो वाले नाम को डिलीट करना है एंड थीम वाला नाम यहाँ से पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एलयू के अंदर थीम के अंदर मेरा खुद का फ़ोटो लग गया होगा पक्का 100%। लाइव प्रूफ दिखाऊँगा दोस्तों। फिर आपको आ जाना है अपने एलयू में। एलयू में आने के बाद दोस्तों, अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये लग चुका है फ़ोटो। ये देख लीजिए थीम के अंदर शो कर रहा है मेरा फ़ोटो एरिया। ये वेडिंग वाले पे लगाया था मैंने, ये लग गया, देख लीजिए। ये देख लीजिए मेरा फ़ोटो लग चुका है। तो दोस्तों, आपको लाइव प्रूफ दिखाया हूँ फ़ोटो लगा के, एलयू थीम में खुद का फ़ोटो लगा के दिखाया हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको लाइव प्रूफ खुद का फ़ोटो लगा के दिखाया एलयू थीम में। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करना। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।